पीट के जाते हैं। हम लोग आपको हमेशा से बताते रहते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट फंस जाता है, कम मार्क्स आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आप लोग जो सिलेबस के अनुसार जो है पढ़ाई नहीं करते, पढ़ते कुछ है और एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाता है। गैस, मैं आपको बता देने वाला हूँ, मैं लास्ट के 3 मंथ में पढ़ के मैं बिहार बोर्ड का टॉपर हूँ, ठीक है। मेरे साइंस से जो है 85% मार्क्स आ रखे हैं, तो मैं आपको बढ़िया सजेस्ट कर सकता हूँ। और मैंने जितने भी हमारे पहले प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जाकर के उनसे पूछ सकते हैं। हम लोग जो बोलते हैं वही एग्ज़ाम में आते हैं, जो हम लोगों की जो जो बातें फॉलो करते हैं उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने टॉप कर रखा है और हम लोग आपको बढ़िया से बता सकते हैं। तो गैज़, मैं आपको बता देने वाला हूँ, देखो यार, टॉपर लोग जो है कुछ अलग से नहीं करते हैं। तो हेलो गैज, कैसे हैं आप लोग? मैं युवराज सौरभ आप लोगों का एक बार फिर से OPS स्टडी सोल्यूशन में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हमारे वीवोस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है दोस्तों, जो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस। जैसे कि आपको पता होगा, हमारा दिसंबर एग्ज़ाम 2022 जो है काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियोज़ में मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छा कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता होगा गाइस, बिहार ओपन बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, इनका सिलेबस जो होता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा, अदर बोर्ड का जो सिलेबस है वो थोड़ा इजी होता है, और इन बीबोस का जो होता है, बिहार ओपन बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैं आपको बता देने वाला हूँ, 10th में जो है 9th का भी सिलेबस यहाँ पे डाल रखा है, और उसके बाद जो है 12th क्लास में जो है 11th का भी पोर्शन जो है 11th 12th दोनों से पूछा जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा गाइज, अगर आप अपना एग्ज़ाम में जो अपने एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको जो दोस्तों क्या है कि पहले सिलेबस पूरा अच्छा से देख लीजिए कि भाई सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो है ज़रूर तैयारी प्रिपरेशन अच्छे होंगे, और उन टॉपिक पे ज़्यादा आप टाइम दीजिए जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। हम लोग आपको हमेशा से बताते रहते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट फंस जाता है, कम मार्क्स आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आप लोग जो है सिलेबस के अनुसार जो है पढ़ाई नहीं करते, पढ़ते कुछ है और एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाता है। गैस, मैं आपको बता देने वाला हूँ, मैं लास्ट के 3 मंथ में पढ़ के मैं बिहार बोर्ड का टॉपर हूँ, ठीक है। मेरे साइंस से जो है 85% मार्क्स आ रखे हैं, तो मैं आपको बढ़िया सजेस्ट कर सकता हूँ। और मैंने जितने भी हमारे पहले प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जाकर के उनसे पूछ सकते हैं। हम लोग जो बोलते हैं वही एग्ज़ाम में आते हैं, जो हम लोगों की जो जो बातें फॉलो करते हैं उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने टॉप कर रखा है और हम लोग आपको बढ़िया से बता सकते हैं। तो गैज़, मैं आपको बता देने वाला हूँ, देखो यार, टॉपर लोग जो है कुछ अलग से नहीं करते हैं। आपको जो है थोड़ा सा एग्ज़ाम में जो अच्छा से लिखने का तरीका आना चाहिए, किस तरह से लिखना है। देखो यार, पढ़ाई वगैरह सब करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है, टॉपर का कॉपी देखोगे तो उनका जो है कॉपी नीट एंड क्लीन रहेगा। सबसे पहले जो है आप अपने कॉपी को जो है नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टीचर जो है खुद ही देख लो ना यार, काट खोट रहेगा तो बेकार लगता है और उसमें आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना। आप काट खोट से बचने की कोशिश कीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात है, मैं आपको बता देने वाला हूँ, देखो यार, जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से आता है ना, वो आपको फ्रंट पेज पे लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और सीरियली वाइज मत लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आंसर सही से नहीं आते हैं, सीरियली वाइज नहीं आते हैं, तो गलत आंसर देने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं। बाद में मैं उन स्टूडेंट को भी बताऊंगा जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो वो किस तरह से पास करेंगे। भाई, पास करना बहुत आसान है। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है ना, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता देने वाला हूँ, ये 10th 12th 11th 12th ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी अच्छा है, होशियार हैं, ब्रिलियंट है, ब्रेव हैं, चालाक हैं, तो आप आसानी से जो है एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो दिन रात पढ़ते हैं उससे आप अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा बातों को फोकस अच्छा से ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, आपको जो है लास्ट मोमेंट में जो है प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस। प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता है यार, प्रीवियस ईयर उसको बोलते हैं जो पिछले साल आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है भाई मेरे, बोर्ड एग्ज़ाम में जो होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। एक ही क्वेश्चन जो है ना, एक ईयर छोड़ के बार बार रिपीट किए जाते हैं। और बिहार ओपन बोर्ड बीबोस के एग्ज़ाम में जो है ना, मैं आपको बता देने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर से रिपीट किए जाते हैं सारे क्वेश्चन। 10th क्लास में तो यार साइंस और सोशल साइंस वगैरह हूबहू उतार देते हैं, हूबहू उतार दिए जाते हैं, और हिंदी भी, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैथ पे फोकस करना है, मैथ भी यार वही क्वेश्चन होते हैं, बस उनके थोड़े से चेंज होते हैं, क्या मतलब, क्वेश्चन वही रहेंगे, उसी तरह के रहेंगे, थोड़े से डिजिट का डिफरेंट होता है, नहीं तो सारे क्वेश्चन उसी उसी पैटर्न पे आते हैं। अब सोचोगे यार कि 100% वही आ जाएगा, तो मैथ में ऐसा होने नहीं वाला है, ठीक है ना।
मैथ में आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैथ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप फॉर्मूला जा कर के रट लो। अगर आप 10th 12th के स्टूडेंट हो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भाई मेरे, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री बना रहे हो, आप cos 30 का वैल्यू जानते ही नहीं हो, sin 30 का वैल्यू जानते नहीं हो, तो आपसे थोड़ी ना बनने वाला है। तो फॉर्मूला रटने की कोशिश करो तो फंसोगे नहीं, प्राइमरी चीज़ यही है। उसके बाद आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो मैथ में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और डिटेल से मैंने और भी चीज़ें बता रखी है अपने चैनल पर जाकर के, और भी वीडियोज देख सकते हो, इन डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। उसके अलावा गाइज आप जो हमारा मटेरियल जो है ले परचेज कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ने कर लिया है, और PDF सिर्फ जो है हमारे पास अवेलेबल है। आपको जो है इतने PDF हम लोग अवेलेबल करवा देते हैं 3 से 4 सेशन के, 4 साल मतलब 3 से 4 क्या मतलब कि 4-5 सेशन के आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उतना प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मेरे को नहीं लगता कहीं भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने की, और हम लोग का गेस पेपर है OPS स्टडी सॉल्यूशन का, तो आप ले सकते हो। 159 है और 299 का मेंबरशिप, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी चैनल पे जाओ, वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब बटन के पास आपको जो है एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, जाकर के क्लिक करो और वहाँ पे आपको जो है 159, 299 और भी 399 के होंगे, 59 के होंगे, तो वो मत ज्वाइन करना, 159 और 299 वाला ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ये बातें मैं हर बार हर वीडियोज़ में नहीं बताऊँगा, मैं आज जो वीडियोज़ है प्रॉपर तरीके से बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको कर लेना, ज्वाइन कर लो, आपको आसानी से जो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमको जो है मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो, मैंने जो बताया है आपको वो करने की कोशिश करो। आप थोड़ा हैंड राइटिंग में ध्यान दो, ठीक है ना, और तेज़ी से लिखने की कोशिश करो। और जो फेल स्टूडेंट है, चलो मैं उनके लिए बता, मतलब फेल क्या, जो अच्छे से जिनका प्रिपरेशन नहीं है वो कैसे एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। भाई मेरे, आपका, आपको पता है कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो सबसे पहली बात है ना, 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, जाकर के आप क्या करो, शॉर्ट्स नोट बनाओ, ठीक है। नहीं बनाया तो हम लोगों ने बना रखा है, मेंबरशिप लोगों को तो मिल जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स में वही क्वेश्चन डालने की कोशिश करो जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में ज़्यादा रिपीट किए गए। क्या रिपीट किया, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स में आप ओम्स लॉ पढ़ रहे हो, भाई मेरे ये बार बार रिपीट किया जाता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमेशा रिपीट किया जाता है यार। तो आप इन सब क्वेश्चन को जो है शॉर्ट नोट में उतारो, बार बार रिपीट करो और इसको रटने की कोशिश करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही आने वाला है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम हो गया, उसको पढ़ो यार, ठीक है, वो बार बार रिपीट किया जाता है और वही आएगा, 100% गारंटी है। 100 में 99 बार जो पूछे जाते हैं, 1 बार नहीं पूछे जाते हैं, तो आप उसको पढ़ लो, ठीक है। आपके पास कुछ होंगे तभी तो एग्ज़ाम में लिखोगे ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप कर सकते हो, अगर आपके क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है, तो भाई मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड जो है ना लिखने की कोशिश करो। ये नहीं कि जो क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं 100% वही रट के जाओगे, वही लिखे हुए तो मार्क्स मिलेगा। भाई मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम में मैं बता देने वाला हूँ, आप अपने मन से भी लिखोगे ना उससे रिलेटेड चीज़ें, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है यार। बोर्ड एग्ज़ाम में कोई नहीं घबराता है, ये बोर्ड एग्ज़ाम कुछ नहीं होता है, आगे तो यार आपको बहुत कुछ करना है, ये तो कुछ नहीं है, आगे इतना मतलब इससे ज़्यादा टफ चीज़ मिलने वाला है। आपको लगेगा यार बोर्ड एग्ज़ाम फालतू का, हम टेंशन ले रहे थे, कुछ भी नहीं था ये, ठीक है ना। और 100% ये कुछ भी नहीं है, आप इसको आराम से इजी से पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। आप लोग नए होते, कोई एग्ज़ाम नहीं दिए होते, इसलिए ये प्रेशर रहता है, और मेरे को नहीं लगता कोई डिफ़िकल्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप ये सब करके यार एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, तो यार नहीं कुछ आता है, तो क्वेश्चन पेपर चेंज करके, जैसे दूसरा तीसरा चेंज करके, कुछ कुछ चेंज करके आप लिख सकते हो, ठीक है, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जिनको यार एकदम कुछ नहीं आता है, चौपट है, मतलब भाई हमको पता है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप खाली मत छोड़ो। मेरे कहने का मतलब है तुम लोग यार लिखोगे तभी तो कुछ नंबर देंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अरे यार तुम्हारे निगेटिव मार्किंग थोड़ी है जो तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छोड़ देते हो, 4 में से 1 टिक करके आओ ना, सही हो गया तो सही है, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने कॉपी चेक किया है, तो उसमें क्या करते हैं, आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि सर हमको आता नहीं है, गलत क्यों मारे। अरे बेवकूफ, तुम्हारा वो निगेटिव मार्किंग थोड़ी जाएगा, तो सारा कुछ देखो यार, एक चीज़ आप माइंड में ये बिठा के रखो, आपको लिखना अच्छा आना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। मार्क्स कहाँ पे मिलते, लिखना अच्छा आना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, काटखोट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आप जो है 30, अगर आपसे एग्ज़ाम में 100
मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो। जितना आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर गलत भी लिख रहे हो ना, तो उसमें आपको जब मिनिमम 2 नंबर अगर गलत भी लिख रहे हो तो देता है बोर्ड के एग्जाम में आंसर। आजकल यार राज किशोर को जानते हो ना, हमारे बिहार ओपन बोर्ड, बिहार ओपन बोर्ड नहीं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो चेयरमैन, उन्होंने बोला है अगर आप कुछ भी आंसर दे रहे हो ना तो उसमें भी आपको मार्किंग किया जाएगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना, उससे रिलेटेड, बिल्कुल गलत नहीं, उससे रिलेटेड रहेगा तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा हो ही गई है, ठीक है। और क्योंकि यार ये नॉलेज वाली वीडियोज़ थी, नॉलेज पर्पज़ से मैंने ये बनाया है, थोड़ी ये लंबी ज़रूर होएगी, ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट में एडिट भी करूँगा जो मेरे को बेकार लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, करते रहो एग्ज़ाम की तैयारी। एग्ज़ाम आपका जो है जनवरी जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि OPS स्टडी सॉल्यूशन पे आपको जो है 100% करेक्ट और सबसे फास्ट अपडेट जो है दी जाती है, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।